हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और काफ़ी टाइम के बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीएससी इन फिजिक्स कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बेसिकली इसके नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज हर किसी को है क्योंकि आप अपने +2-1 में भी इसे पढ़ के आ चुके हो। तो ये लेक्चर बेसिकली आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया गया है। हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के साथ। तो यस, स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के साथ। तो जो न्यूटन के जो लॉज हैं ये फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं फिजिक्स में। ये किन्होंने दिए थे? ये दिए थे सर आइजैक न्यूटन ने, जो कि एक रियोन्ड इंग्लिश फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन है। ये जो लॉज है डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट बिहेव करते हैं जब उन पर फोर्स लगाई जाती है। एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, एसेलरेशन एंड मोमेंटम। ये वर्ड्स आपने काफ़ी सुने होंगे, इनर्शिया, एसेलरेशन एंड मोमेंटम। इन्हीं को हम वन बाय वन यहाँ पर अभी आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहला है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब ये होता है कि ये किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो अपने आप में कोई भी चेंज होने से रोके। ये किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो अपने आप में कोई भी चेंज होने से रोके। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर आपके आसपास कोई भी बॉडी रखी हुई, अगर आप एक बार नज़र घुमाकर देखेंगे अपने चारों तरफ, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो कि रेस्ट पर है, या अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में है। जैसे आपका फ़ैन है, वो मोशन कर रहा है अगर अभी, तो आप जब तक उसको स्विच ऑफ नहीं करोगे तब तक वो रुकेगा नहीं, या जब तक इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ नहीं होगी तब तक वो रुकेगा नहीं। या आपके आसपास आप जिस पे पढ़ रहे हो, आपके फ़ोन पे आप पढ़ रहे हो, फ़ोन से या लैपटॉप से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप देख सकते हो कि जब तक आप उसको अपने हाथ से मोशन उठाकर उस कोई भी फोर्स नहीं लगाओगे तब तक उसमें कोई भी मोशन नहीं आएगा, वो रेस्ट में ही रहेगा। तो इनर्शिया क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है, पावर है उसके अंदर खुद की, किसी ऑब्जेक्ट की, कि वो अपने आप को मोशन होने से या रेस्ट में आने से रजिस्ट करे। अगर उसकी जो भी पोजीशन है उसको वो चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब कि उसमें कोई भी एक फोर्स लगी है इसलिए वो चेंज कर पा रहा है। तो बेसिकली इनर्शिया का मतलब है कि ये एक टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट की अपने आप में कोई भी चेंज होने में क्या करे, वो रेजिस्ट करे। सेकंड इज़ एक्सेलरेशन, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी चेंजेस। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिस रेट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और मोमेंटम क्या है? मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास इन मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका कोई मास है तो उसमें क्या होगा? एक मोमेंटम होगा। क्या कहा मैंने कि एनी बॉडी विच इज़ डूइंग मोशन एंड हैविंग सम मास इज नोन एज मोमेंटम। उसका मतलब है कि उस बॉडी में क्या हो रहा है, आपका मोमेंटम हो रहा है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था। हम बात करते हैं न्यूटन्स के लॉज की। न्यूटन सर ने हमें तीन लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। पहला लॉ हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है, दूसरा लॉ हमारा क्या है, दूसरे लॉ ने हमें क्या दिया था, फोर्स दिया था, ठीक है, और थर्ड लॉ था एक्शन और रिएक्शन वाला। तो इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला लॉ हम देख लेते हैं कि फर्स्ट लॉ द लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी, जैसे मान लो कि आपकी स्क्रीन में ये बॉल आपको दिखाई दे रही है, जब तक इस हैंड से इस बॉल को फोर्स नहीं दी जाएगी तब तक ये मूव नहीं करेगी। अगर ये बॉल मूव कर रही है, जैसे ये कर्सर अगर बॉल अगर ये मूव कर रहा है, जब तक इस हाथ से इसे रोका ना जाएगा तब तक ये मूव ही करता रहेगा। ऑल राइट, तो इस चीज़ को बोलते हैं इनर्शिया। अपनी पोजिशन मेंटेन करना इज़ इनर्शिया। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी। तो कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। कोई अनबैलेंस फोर्स अगर उस पर नहीं लग रही है तो तब तक वो क्या रहेगी, या तो रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है अनबैलेंस्ड फोर्स, बात कर रहे हैं किसकी, अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं, बेसिकली मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ से लग रही है, दूसरी फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ से लग रही है, ठीक है। ये वाली फोर्स लेट सपोज कि हमारी क्या है, F1 है, और ये वाली फोर्स हमारी जो लग रही है दैट इज़ F2, ठीक है, ये क्या है हमारी F2 है। अब अनबैलेंस फोर्स क्या होगी, अगर हमारी F2 क्या है, F1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये बॉल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरफ होगी मोशन की। लेकिन अगर F1 हमारी क्या है, F2 से ज़्यादा है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो ये जो फोर्स होगी ये अनबैलेंस फोर्स होगी। पहली सिचुएशन में F2 बड़ा है F1 से, दूसरी सिचुएशन में F2 छोटा है,
है F1 से, मतलब कि F1 डोमिनेटिंग है दूसरी सिचुएशन में, राइट। और ऐसा ये होती है हमारी अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बात करते हैं हम बैलेंस्ड फोर्स की, अगर हमारी F1 और F2 क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, क्या हो जाए अगर हमारे F1 और F2 दोनों फोर्सेस क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तब क्या होगा, हमारी ये एक बैलेंस फोर्स होगी और ऑब्जेक्ट में क्या होगा, कोई भी मोशन नहीं होगा। अगर यहाँ से भी इक्वल अमाउंट की फोर्स लग रही है और इधर से भी इक्वल अमाउंट की फोर्स लग रही है, तो इन ये क्या होगी, जो बॉडी होगी वो बिल्कुल भी मोशन नहीं करेगी, यहाँ पर क्या होगा, कोई भी मोशन नहीं होगा। तो इसीलिए ये वर्ड आया अनबैलेंस फोर्स। अगर अनबैलेंस फोर्स यहाँ पर लग रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजिशन चेंज करेगा। जब तक कि उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगी तब तक वो या तो रेस्ट में होगा या मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, राइट। तो ये जो दो टर्म्स है, रेस्ट एंड मोशन, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। ऑल राइट, नाउ मूविंग फर्दर, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शिया, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहता है, अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहता है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ना ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ना ही वो अपना कोई भी मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, जिस स्पीड से वो चल रहा है या जैसे वो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगा, अनलेस एक्सपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो रेस्ट हमारा क्या होता है, अ बुक ऑन अ टेबल रिमेन्स स्टेशनरी अनलेस समवन पुशेस, जब तक उस बुक को कोई पुश नहीं करता, ठीक है, जब तक कोई किसी बुक को पुश नहीं करता जो कि टेबल पर रखी हुई है, ठीक है, तब तक उसमें क्या होगी, कोई भी मोशन नहीं होगी, वो रेस्ट पर ही रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन मतलब अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, सेम एक प्रॉपर मान लो कि 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अगर कोई कार मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, जब तक कि आप अपने पैरों से एक्सेलरेशन को कंट्रोल नहीं करोगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूज इन द मोशन अनलेस ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब तक ब्रेक नहीं अप्लाई होंगे तो वो उसी स्पीड में वो रहेगी। फिर बात आती है थर्ड वन, फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है, कोई भी पुश या पुल जो कि एक ऑब्जेक्ट की क्या करे, मोशन को चेंज करे, उसे बोला जाता है फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि एनी पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स, ठीक है। और उस पुश और पुल से आपका क्या होना चाहिए, आपका मोशन आना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर सेकेंड लॉ, द लॉ ऑफ एसेलरेशन, क्या बोला जाता है इसे, लॉ ऑफ एसेलरेशन। तो एसेलरेशन ऑब्जेक्ट का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। एसेलरेशन डिपेंड करता है, ठीक है, एसेलरेशन को हम ए से दिखाते हैं, ये कहा जा रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एसेलरेशन एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये है हमारा किसके इक्वल, एफ नेट के इक्वल। एसेलरेशन क्या है हमारा, एफ नेट के इक्वल है, ठीक है। एसेलरेशन क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ नेट के, NET, राइट, ये इसके सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है। और दूसरा इसने बोला है कि जो एसेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली मतलब 1/m, राइट। तो ये कह रहा है कि जो एसेलरेशन है, पहली सिचुएशन हमारे पास ये है और ये है हमारी दूसरी सिचुएशन, जब हमारा एसेलरेशन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जब इन दोनों फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा एसेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। जब दोनों हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो एसेलरेशन विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम, ठीक है, एफ अपॉन एम ये बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स क्या निकल कर आती है, एफ़ इज़ इक्वल्स टू एम ए। जब ये एम इधर चला जाएगा तो एफ़ इज़ इक्वल्स टू एम ए, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाती है, नेट फोर्स हो जाती है। तो बेसिकली एसेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो बात करते हैं फोर्स की, अ ग्रेटर फोर्स रिजल्ट्स इन ग्रेटर एसेलरेशन। जितनी ज़्यादा हमारे पास फोर्स होगी उतना ज़्यादा एसेलरेशन होगा, राइट, ग्रेटर फोर्स विल इक्वल टू ग्रेटर एसेलरेशन, ठीक है। ज़्यादा फोर्स होगी तो उतना ही एसेलरेशन होगा। और मास का क्या कॉन्सेप्ट है, अच्छा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो ऑब्वियसली कि फोर्स जितनी होगी उतनी एसेलरेशन भी होगी। और एसेलरेशन और मास में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जितना कम किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा उसमें उतनी ज़्यादा एसेलरेशन आएगी। आप क्या करो, आप एक पतला एक छोटी सी बॉल को सेम फोर्स से फेंको, ठीक है, आप एक क्या सेम मतलब एसेलरेशन दो एक कम मास के ऑब्जेक्ट को और एक हैवी बॉल को फेंको, एक फुटबॉल लो और एक टेनिस बॉल लो, तो देखो दोनों में कितना ज़्यादा किसमें ज़्यादा एसेलरेशन होगा। सो यू विल नोटिस कि जो हमारी टेनिस बॉल है, छोटी सी होती है ना टेनिस बॉल, हमारी इतनी छोटी होती है टेनिस बॉल, और फुटबॉल तो हमारी बेसिकली उसकी कंपेरिजन में बहुत बड़ी होती है,
तो ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड लॉ, और थर्ड लॉ हमारा होता है एक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। बेसिकली आपने देखा होगा जब अभी रिसेंटली हमारी बहुत सारी बैक टू बैक ईयर्स में क्या हुई है, हमारी मिसाइल्स लॉन्च हुई है। तो इस तरह से देखो, जब एक मिसाइल रॉकेट लॉन्च होता है तो बैक में क्या होता है, जब ये प्रोपल्शन होता है बेसिकली, ये जितना ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा स्पीड अगर देनी है तो उतना ही ज़्यादा इस पर क्या होगा बैक रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर आप अपने हैंड से इस तरह से वॉल पे मारोगे तो वॉल भी आप पे क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। या आप इससे अच्छा एग्जांपल लो, अगर आप एक बॉल को ऐसे वॉल पे हिट करोगे तो वो बॉल आपके पास वापस आती है, ना कि वहीं पे रुक जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्शन रिएक्शन। अगर मैं आपको थप्पड़ मारूं सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा लेम हो गया, अगर आपके टीचर आपको थप्पड़ मारे तो टीचर के हाथ में भी ऑब्वियसली क्या होगा, चोट लगेगी, मतलब दर्द होगा, क्योंकि आपके गाल भी किया कि एक फोर्स एक्सर्ट किया है बैक। तो दिस इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन। ऑलराइट, एक्शन क्या हुआ है यहाँ पर इस एग्जांपल में, कि रॉकेट ने एक फोर्स एक्सर्ट की है ऑन द एग्जॉस्ट गैस, एग्जॉस्ट गैस पे क्या किया, एक फोर्स एक्सर्ट किया। और रिएक्शन क्या हुई कि उस एग्जॉस्ट गैस ने एक इक्वल और अपोजिट फोर्स रॉकेट पर लगाई, जिसकी वजह से वो ऊपर को प्रोपेल हुआ। राइट, एक्शन क्या है इस वाले एग्जांपल में, जो यहाँ पे पिक्चर आपको दिखाई दे रही है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर ये यह है कि जो रॉकेट है उसने एक फोर्स लगाई एग्जॉस्ट गैस पर, और रिएक्शन क्या हुई कि एग्जॉस्ट गैस ने इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोपेलिंग हुई ऊपर की तरफ। तो दिस इज़ द थर्ड लॉ। अच्छा, अब एवरीडे लाइफ की सिचुएशन में अगर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें तो क्या होता है, देखो, दीज लॉज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन वेरियस एवरीडे फिनोमेना लाइक पुशिंग अ शॉपिंग कार्ट। जब आप शॉपिंग करने जाते हो, कार्ट को इस तरह से पुश करते हो तो आप देखते हो, ठीक है, तो आपको पुश करना होता है, कार ड्राइव करने में यूज़ होता है, प्लेइंग स्पोर्ट, इन सब में हमारे न्यूटन के लॉज लगते हैं। तो पुशिंग अ कार्ट कैसे, जो फोर्स आप अप्लाई करते हो कार्ट को, देते हो फोर्स, तो वो एक्सेलरेट होता है। जब आप ड्राइविंग करते हो, मतलब कि जो इंजन होता है एग्जर्ट करता है एक फोर्स कार में, जिसकी वजह से कार मूव करती है। जैसे आप देखा होगा आपने कि जब क्रिकेट फुटबॉल सॉरी क्रिकेट होता है आपका, हाँ, और बहुत सारे ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पर कैच करना होता है, तो आपने देखा होगा कि व्हेन यू थ्रो अ बॉल, आप क्या करते हो, एक फोर्स अप्लाई करते हो उस बॉल पे, एंड द बॉल एग्जर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन योर हैंड, ठीक है। जब आप एक कैच थ्रो करते हो, सॉरी अगर आप एक बॉल कैच करते हो, ठीक है, तो आपने उस कैच करने में जितना होल्ड करने में किया, तो उस बॉल आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे हाथ भी पीछे करना होता है। तो ये थोड़ा सा अलग फेनोमेना है। नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ इन सर्कुलर मोशन। अच्छा, न्यूटन्स लॉ और सर्कुलर मोशन के बीच में क्या रिलेशन है, जो न्यूटन का लॉ है वो अप्लाइड टू अंडरस्टैंड सर्कुलर मोशन ऑल्सो, जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, जो कि ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। फिर एक होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारी क्या होती है, टेंजेंट होती है टू द सर्कल। कैसे, जैसे मान लो कि एक सर्कुलर है, सर्कुलर हमारा क्या है, पाथ है, जहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेट सपोज़ कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो ऑब्वियसली क्या होगी, हमेशा हर पॉइंट पर टेंजेंशियल होगी, ठीक है। इस तरह से वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपकी, टेंजेंशियल। टेंजेंट क्या होता है, किसी पॉइंट पर टच करता हुआ सेंटर, इस सर्कल को टच करता हुआ जो भी ऐसे पॉइंट होगा तो वो टेंजेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। फिर आता है आपका सेंट्रिपिटल एसेलरेशन, ठीक है, एक सेंट्रिपिटल फोर्स थी, सेंट्रिपिटल एसेलरेशन की बात हो रही है। ऐसा एसेलरेशन डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन सेंटर के टूवर्ड्स होगी वो हमारा क्या होगा, सेंट्रिपिटल एसेलरेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ। मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, देखो मोमेंटम बेसिकली पी से डिनोट किया जाता है। ये होता है हमारा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका कुछ मास है और वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है उसका कुछ मास है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो हमारा न्यूटन्स लॉ सॉरी मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम इज़ द मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास इन मोशन एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू न्यूटन सेकेंड लॉ। कैसे, क्योंकि मोमेंटम को स्मॉल पी से दिखाया जाता है, तो मास इनटू वेलोसिटी होता है, और मोमेंटम में अगर चेंज आता है तो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। कैसे, चेंज कैसे आएगा, जब वेलोसिटी में चेंज होगा, तो वेलोसिटी में चेंज होगा तो ये क्या बन जाएगा, एसेलरेशन बन जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि आपको पता है कि जो एसेलरेशन होता है वो होता है हमारा डीवी अपॉन डीटी, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हमारा ये डी है, ठीक है, ये सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया, डीवी अपॉन डीटी, दिस इज डीटी,
तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो डी वी अपॉन डी टी बनेगा जो कि एसेलरेशन बनेगा, और आपको पता है मास इंटू एसेलरेशन क्या होता है, हमारा फोर्स होता है। तो इस तरह से आपका जो मोमेंटम है वो सेकेंड लॉ से जुड़ा हुआ है। और जो हमारा न्यूटन का जो लॉ है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ होता है। प्रॉब्लम्स किस तरह की, इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज़ होता है, फॉर्मुलेट इक्वेशंस बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ एंड गिव इन्फॉर्मेशन एंड द गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, ग्राफ्स के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। ग्राफ कौन कौन से होते हैं आपके, पोजिशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एसेलरेशन टाइम ग्राफ, इस तरह के ग्राफ्स होते हैं आपके। कैलकुलेशंस होती हैं इसमें, तो यूज़ इक्वेशन टू कैलकुलेट अननोन क्वांटिटी सच एज फोर्स, मास, एसेलरेशन और वेलोसिटी। तो इसको हम फर्दर जब हम एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तब हम ये चीज़ देखने वाले हैं। तो न्यूटन्स लॉ एंड बियॉन्ड, इसके अलावा क्या चीज़ें हैं। तो न्यूटन्स लॉ प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को बताता है यूनिवर्स में, और ये एसेंशियल है फिजिक्स के लिए, इंजीनियरिंग में और एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी मतलब जो भी हम स्पेस से रिलेटेड हम क्या करते हैं जब स्टडी करते हैं तो वो एस्ट्रोनॉमी कहलाती है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, आपकी जो हाथ की रेखाएँ पढ़ते हैं पंडित जी लोग, तो वो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। एस्ट्रोनॉमी बेसिकली स्पेस स्टडी को बोला जाता है। और इंजीनियरिंग आपको पता है क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग को में मैकेनिक्स का यूज़ होता है, और न्यूटन्स लॉ हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर आता है। तो बेसिकली हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सबसे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है, हार्मोनिक्स जहाँ पर बनती हैं, जैसे आपका टू एंड फ्रो मोशन होता है वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जो कि पीरियोडिकली रिपीट होता है। ठीक है, तो ये हमारा जैसे लाइक अ पेंडुलम, आपने देखा होगा वॉच का पेंडुलम, जो आपकी वॉचेस होती हैं वॉल में लगी हुई क्लॉक होती हैं, तो उनमें। और सर्कुलर मोशन में न्यूटन्स लॉ हेल्प करता है फोर्स और एसेलरेशन को एक्सप्लेन करने में, जिसमें हमारा सर्कुलर मोशन होता है। तो यहाँ पर इस तरह से होता है। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस जर्नी में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझ में आए तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस वगैरह डील कर सकते हैं, और इधर हम लोग को एक दूसरा टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने क्या एक्सप्लेन करना है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या एक्सप्लेन करने वाले, मोमेंटम और इम्पल्स रिलेटेड, टू डेल डीपर इन टू डायनेमिक्स ऑफ मोशन। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर एंगेजिंग फिजिक्स कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।